इनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तिन इसे काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम जैसी तुम डाली है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम डाली है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। अज्ञान की वजह से ही यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। यह सब चर्चाएं कल अपनी हुई यहाँ और बहुत ही मार्मिक चर्चा थी जिसमें हमने पुण्य और पाप कर्म के उदय की चर्चा की और पाप काप के उदय से डरने वाले लोगों की भी चर्चा की। कितना डरते हैं और कैसा लगता है हमें, हे भगवान पाप से बचा लो, करेगा गलत काम और सोचेगा पाप नहीं लगेगा, गलत काम करेगा, खोटे काम करेगा और भगवान के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ेगा कहेगा हे भगवान मुझे बचा लेना, हे भगवान मुझे पाप नहीं लगे, हे भगवान मुझे सजा न मिले। फिर पाप से क्यों बचना चाहता है और पुण्य को क्यों चाहता है, ये चर्चा हमने कल विस्तार से की। और सुनो, पूर्व में किए गए पाप कर्म के उदय से यदि प्रतिकूल परिस्थिति बन भी जाए तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष उसमें तकलीफ का वेदन नहीं करते, वे उसमें कष्ट नहीं उठाते हैं, वे उसमें आनंद मानते हैं, क्योंकि दृष्टि उदय पर नहीं है, दृष्टि स्वभाव पर है। जिनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है वे उदय से प्रभावित नहीं होते। किस चीज़ का बल है आखिर उनके पास में, आखिर वो पावर किस चीज़ की होगी जिस पावर के दम पर उन्हें ये तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर तेरी अज्ञानता के कारण तू पाप को बुरा और पुण्य को भला चाहता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पाप और पुण्य ये दोनों जुड़वा भाइयों जैसे हैं, साथ रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुण्य को चाहें और पाप आपके घर में न आवे। आप यदि पुण्य को निमंत्रण देंगे तो पाप भी अपने आप आ जाएगा, पाप का उदय भी, पाप के उदय के बाद में पुण्य का उदय और पुण्य के उदय के बाद में पाप का उदय, ये अपने आप आता रहता है, ये चक्र है। जैसे लेफ्ट और राइट आपके पैर एक के बाद एक अपने आप आगे चलते रहते, पहले लेफ्ट आगे हो गया पैर, फिर राइट वाला आगे हो गया, फिर लेफ्ट आगे हो गया, फिर राइट आगे आगे हो गया। ये लेफ्ट और राइट जिस तरह से बदल बदल करके आगे होते रहते हैं, उसी प्रकार ये पाप और पुण्य का उदय भी निरंतर बदलता रहता है। आपका पाप का उदय बदला तो पुण्य का उदय आ गया, पुण्य का उदय बदला तो पाप का उदय आ गया। अब यदि आप पुण्य को चाहेंगे तो पाप अपने आप आएगा, तो फिर साहब क्या पाप को चाहें? अरे तो पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर स्वभाव को नहीं चाह सकते, जरूरी है कर्म को चाहना। कर्म चाहे कर्म को, कर्म तो कर्म ही चाहेगा, वो उस पर जुड़वा भाई है, वो साथ छोड़ करके नहीं रहते, साथ ही रहते हैं दोनों, आगे पीछे जरूर दिखे थोड़े से लेकिन रहेंगे साथ में। इसलिए भाई ये कर्म अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, इस कर्म से दृष्टि हटाने की और अपने स्वभाव पर दृष्टि देने की भावना यहाँ व्यक्त की गई। बहुत ही सुंदर चर्चा थी। माने अपराध तो करता है ये जीव, जीव का ही अपराध है और अपने अपराध से अज्ञान ही होता है और कहता ये कि कर्मोदय से अज्ञान होता है, कर्म ने मुझे अज्ञान ही कर दी, मैं क्या करूँ, कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, बहाने इसके पाप कर्म के उदय जैसे दिखाई, मैं क्या करूँ साहब, कल क्यों नहीं आए थे साहब, जैन साहब क्या करें साहब, अंतराय का उदय आ गया,
क्योंकि क्यों नहीं आएगा कल, ये क्या हो गया, कर्म कर्म का वजह दिखाई दे। आप देखो टोडरमल जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पर लगाता है। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरा कोई अपराध नहीं है। तू स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, तो सुन जिन मत विषय जैन दर्शन में ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये अनीति है, ये अनैतिक काम है, गलती अपनी तो सजा अपने को मिलेगी, और अपनी गलती हो और दूसरे के माथे पर मंडे, क्या अपराध है। ये जैन दर्शन में तो ऐसा अन्याय होता नहीं है, करे कोई और फल मिल जाए किसी और को, ऐसी ऐसी बातें कहने वाले लोग मिलते हैं साहब, उनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे, किया उन्होंने भोगना पड़ रहा है हमारे, ऐसा होता है जगत में कहीं, पिताजी कर्जा छोड़ गए तो हमें हमें भुगतना पड़ रहा है, हमें चुकाना पड़ रहा है, कैसा लगा, उन्होंने किया और हम भुगतेंगे, अन्याय नहीं, ऐसा अन्याय प्रकृति में नहीं होता। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, उनके कर्म का फल उनको मिलेगा, अन्याय नहीं है यहाँ, सर्वत्र न्याय ही न्याय है। प्रकृति की व्यवस्थाओं में कहीं अन्याय नहीं होता, जगत में कहीं अन्याय जैसी चीज ही नहीं है, अन्याय को कोई स्थान ही नहीं है। कि साहब कैसी बात कर रहे हो, अन्याय होता हुआ दिखता है, हमने देखा है जगत में, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, नहीं हुआ, दिखता है आपको, इन चमड़े की आंखों से दिखाई देता है, ये अज्ञान माथे पे सवार रहता है इसलिए दिखाई देता है, थोड़े ज्ञान नेत्रों से देखोगे तो अपने अपने कर्मों का फल सबका अपना अपना है। तो फिर साहब कर्म का फल तो मिलता है ना, ये सुन कर्म का फल मिलता है, लेकिन ज्ञानी जीव कर्म के फल से प्रभावित नहीं होते, वो कर्म का फल कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होता, बिगाड़ोगे मेरा क्या बिगाड़ेगा, बोलो। इतनी दृढ़ता से अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए स्वरूप में स्थिर होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, वे कहते हैं आने दो कर्म का उदय, बिगाड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा। सुनो कर्म का उदय पुद्गल तक ही आएगा, चेतन तक नहीं पहुंचेगा। कैसे आएगा कर्म का उदय बताओ, बहुत बारीकियां हैं उसमें, इस पॉइंट में, कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, कर्म के उदय से शरीर बिगड़ता है, कर्म के उदय से उपसर्ग आते हैं, ये बहुत स्थूल व्यवहार है, बहुत स्थूल व्यवहार तो है ही पर स्थूल व्यवहार है। क्या बात कर रहे हो आप, ये सुनो कर्म है कारमान वर्गणाएं और ये सब है आहार वर्गणाएं, अन्योन्य भाव है दोनों में, कारमान वर्गणाएं आहार वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं हो सकती। तो हमारे कर्म के उदय ने, एक कर्म के उदय ने हमारा कुछ बिगाड़ किया, माथे पे सिगड़ी जलाई, कर्म का उदय मेरे पैसे खा गया एक कर्म का उदय खा गया, कर्म के उदय का कुछ लेना देना ही नहीं। देखो दूसरा व्यक्ति ने बिगाड़ा, अब ये कितनी दूर की बात हो गई, जब हम कह रहे हैं कर्म ही तेरा नहीं बिगाड़ सकता, अब तू कह रहा है दूसरे व्यक्ति ने बिगाड़ा, क्या दिव्य जी बात ख्याल में आती, क्या क्या बात चल रही है। हम कहते हैं दूसरे व्यक्ति ने बिगाड़ा, ये गजकुमार मुनिराज, ये यशोधर मुनिराज जो बैठे हैं, बोलो किसने बिगाड़ा, गजकुमार मुनिराज का राजा श्रेणिक ने बिगाड़ा, सोमिल सेठ ने, और यशोधर मुनिराज का राजा श्रेणिक ने, उन्होंने बिगाड़ा था ना उच्च मुनिराज से, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अभी अज्ञानी जीव ना समझ लोग तो यही कहते हैं कि श्रेणिक ने या उस सेठ ने बिगाड़ा था, ये ना समझ लोग कहते हैं, थोड़े समझदार होते हैं तो ये कहते हैं श्रेणिक का कोई दोष नहीं है, पाप कर्म का उदय खुद का था, थोड़े समझदार क्या, ये भी समझदार नहीं है। अब स्वयं मुनिराज से पूछो क्या कि बोलो आपका जो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये कर्म ने आपका बिगाड़ा या श्रेणिक ने आपका बिगाड़ा। बोलो यशोधर मुनिराज आपका पूरा शरीर चलनी हो गया, चींटियों ने छेद छेद कर दिए पूरे शरीर पर,
बोलो, आपका ये बिगाड़ आपके कर्म के उदय से हुआ या आपका ये बिगाड़ राजा श्रेणिक के द्वारा हुआ? ये कह रहा है कि राजा श्रेणिक ने किया, और ये थोड़े होशियार बनकर के कह रहे हैं कि नहीं, श्रेणिक ने नहीं किया, कर्म के उदय ने बिगाड़ा। मुनिराज से पूछो तो वो ये कहेंगे मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं। बोलो बोलो, कितना फर्क है बाहर से देखने वालों की दृष्टि में और मुनिराजों की अंतरंग दृष्टि में, कितना फर्क है। मेरा क्या बिगड़ गया? शरीर चलनी चलनी हो गया, सर खोपड़ी जल गई पूरी, मेरा क्या जला ये बताओ? क्या उपयोग यदि बिगड़ता तो मेरा कुछ बिगड़ता? और शरीर के जलने पर, चींटियों के खाने पर हमने अपने उपयोग को नहीं बिगाड़ा, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। जैसी दृष्टि होती है ज्ञानियों की, कैसा चिंतन उनकी सोच और चिंतन किस तरह का होता है, मतलब तो ज्ञानियों के पास में क्या बल है इन चीजों को जीतने का, भाई सब कुछ अद्भुत बातें हैं। ये बात ही कुछ अलग है। कोई सोचना नहीं चाहता है, कोई चिंतन नहीं करना चाहता है। कल चिंतन बैठक रखी थी वहां, मैंने कई भरी सभा में ये बात कि आज तो आपने चिंतन बैठक रखी है, और चिंतन और विचार करने के सारे ऑप्शन तो समाज के प्रमुख लोगों ने बंद कर रखे हैं। जहां जहां विचार बैठकें हुआ करती थी, मैंने कहा ऋषभ देव जयंती पर बंद हो गई, महावीर जयंती पर बंद हो गई, जहां जहां कुछ विचार और चिंतन करने वाले लोगों को बुलाया जाता था और सुना जाता था, वो तो बंद हो गया। वो तो बंद कर रहे हो आप, और ये चिंतन करने के लिए बैठे हो। सारे लोग बैठे थे समाज के, सारे दिगंबर समाज के प्रमुख लोग, सारे श्वेतांबर समाज के प्रमुख लोग नशिया में थे। माने चिंतन तो करो, एक बार विचार तो करो गंभीरता से। ये कर्म का उदय किस में आ रहा है ये बताओ। कर्म का उदय चेतन में आया या कर्म का उदय अचेतन में आया? मतलब कर्म परमाणु है ना, पुद्गल, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, क्या चीजें हैं? कौन सा रॉ मेटेरियल है सात्विक? इसमें ज्ञानावरणी में रॉ मेटेरियल कौन सा है? छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य इसमें प्रयोग हुआ है? जीव द्रव्य के पुद्गल, पुद्गल द्रव्य प्रयोग हुआ है ना ज्ञानावरणी में, दर्शनावरणी में, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, रॉ मेटेरियल पुद्गल है। तो वो जो कर्म है, उस कर्म का उदय आएगा तो ये नौ कर्म संयोग नहीं, वो कर्म परमाणुओं का उदय, माने कारमाण वर्गणाओं का परिणाम कारमाण वर्गणाओं में आता है। वे कारमाण वर्गणाएं आहार वर्गणाओं की कर्ता-धर्ता नहीं होती है। उन कारमाण वर्गणाओं का परिणमन कर्म, कार्मिक बॉडी जिसे कहा है, उसका परिणमन उसी में होता है। बहुत निमित्त निमित्त संबंध है, घने हैं। अब अभाव की दृष्टि से देखो तो उनमें अत्यंत अभाव है। कर्म का उदय और संयोग मिले इसमें अन्योन्य अभाव है, और कर्म का उदय मुझ में कुछ बिगाड़ कर सके इसमें अत्यंत अभाव है। द्रव्य अलग है, कुछ कुछ समझ में आ रही है जा रही है। कर्म चार अभाव पड़े थे ना, क्या प्राग भाव पड़े कभी? राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, चार अभाव है ना। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव लगते हैं अपनी पूर्व और पश्चात वाली पर्यायों में, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ठीक है। अन्योन्य भाव लगता है पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अभाव। दो पुद्गल द्रव्य, दोनों की वर्तमान पर्याय, और वर्तमान पर्यायों का आपस में अभाव, यह अन्योन्य अभाव। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, वो है अत्यंत अभाव। ये चार अभाव के प्रवचन बहुत पसंद किए गए लोगों द्वारा, मेरे को कितने लोगों ने कही, नेहरू भी गया तो कही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कही, अभी बीच में सोनागिरी था तो वहां बहुत लोगों ने कही मेरे से कि वो चार अभाव के प्रवचन बहुत मार देंगे। मैं कहा कलकत्ता गया तो कलकत्ता के अंदर लोगों ने कही मेरे से, वो चार अभावों की चर्चा सच में बहुत मार्मिक चर्चा है। मैंने बोला है इसलिए नहीं कहता हूं, वो सहज भाषा वर्णन की योग्यता से जो बात निकली है, मैंने समझाया ऐसा मानू तो अत्यंत अभाव को नहीं समझा। हाँ, यदि मैं ऐसा समझूं कि मैंने अच्छा समझाया
तो अत्यंत भाव नहीं समझ में आया। और मैं ये कहूं कि मेरे बताने से आपने अच्छे से सुना तो समझ में आया, तो तब अन्य भाव को नहीं समझा। ये भाषा वर्गणा यहाँ से जो बोली जा रही है, इस भाषा वर्गणा से आपके करणिंद्री के माध्यम से समझ में आता है, ये समझना कि अन्य भाव को नहीं समझना है, तो मार्मिक विषय है कुछ जनागम के, ऐसा चिंतन करते हैं। कर्म बलवान है, कर्म बलवान है, कर्म बलवान है, कर्म बलवान है कि नहीं है बताओ। कल हमने इतनी चर्चा की कि कर्म बलवान नहीं है, चेतन बलवान है, ध्याय बलवान है। मैं बतला रहा था आपको 2011 दिसंबर 2011 उस समय ये तीन प्रवचन किए थे कर्म बलवान के, आत्मा बलवान। पिताजी को ध्यान नहीं होगा, ये सामने बैठे थे, कॉन्फ्रेंस पे चल रही थी चर्चा, सामने बैठे थे। तो उन्होंने बात कही कि ऐसा क्यों कहते हो कि आत्मा बलवान है। कर्म और आत्मा, इन दोनों में से कौन बलवान है, ये तुलना का विषय ही नहीं है। हाँ, आपको ध्यान है, दोनों जो बात है, एक तरफ कर्म है, दूसरी तरफ आत्मा है, बोलो दोनों में से कौन भगवान है। दोनों स्वयंभू है, किसको? उद्गल अनंत गुण संपन्न स्वयं है, चेतन अपने अनंत गुण संपन्न है, दोनों की तुलना ही नहीं है। दो घोड़ों में यदि आपस में तुलना करो कि कौन सा अच्छा है तो बात समझ में आए, लेकिन मेरा घोड़ा आपके गधे से तो अच्छा है, गधे से अच्छा घोड़ा है, इसमें क्या दम है? दोनों चीजें न्यारी न्यारी है। जब दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हो तो दो व्यक्ति बराबर लेवल के तो होने चाहिए, उनकी तुलना ही गलत है। एक व्यक्ति के 8th क्लास में कुछ नंबर आए, एक के 9th में कुछ नंबर आए, 8th वाले की तुलना 9th वाले से नहीं हो सकती। 8th की 8th वाले से तुलना करो, 9th के 9th वाले से तुलना करो। बोलो इंजीनियर अच्छे होते हैं, ये इंजीनियर है और ये डॉक्टर है, बोलो दोनों में से कौन अच्छे? क्या बात कर रहे हो, कहने सर दोनों में तुलना करो, इंजीनियर अच्छा कि डॉक्टर अच्छा, क्या पागल होने से बात कर रहे हो? दोनों के फील्ड अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। पुद्गल का काम स्पर्श गंध वर्ण है, पुद्गल अपना काम करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। कर्म परमाणु अपना काम कर्म में करते हैं, चेतन अपना काम चेतन में करता है, अब दोनों में से कौन बलवान? दोनों अपना अपना काम पूरी तरह से करने के में समर्थ है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बलवान है। फिर भी सुनो, फिर भी चूंकि ये चेतन जानने वाला चेतन तत्व ये चिंतन इस प्रकार का करता है कि मुझे कर्म दुख दे रहे हैं, क्या अष्ट कर्म मैं हूं एक लो पापी दुष्ट, अष्ट कर्म मैं हूं एक लो, और आगे कर्म कर रहा है सामने, परेशान कर रखा है इन कर्मों ने, क्या करूंगा। तो फिर कहते हैं कि सुन, भूल तेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन, तू अपने अज्ञान से दुखी है, तू अपनी कषाय से दुखी है, तू अपनी सोच से दुखी है, तू अपने चिंतन से दुखी है। बदल अपने चिंतन को, बदल अपनी सोच को, सुखी हो जाएगा। ये रास्ते हैं, ये फॉर्मूले हैं ये सुखी होने के। कैसे सुखी होए बताओ, कि दुखी क्यों हो पहले ये बताओ, सुखी होने की बात बताएं आपको, दुखी क्यों हो, बोलो बोलो नीरज जी साहब, दुखी क्यों हो? आप तो प्रसन्न दिखते हो, कोई दुख तो नहीं है? सब बहुत है, सबके जीवन में होते नहीं, लेकिन क्यों क्यों दुखी है ये बताओ, असंतुष्टि से दुखी है। अच्छा, असंतुष्ट क्यों है? असंतुष्टि तब होती है जब कुछ कमी होती है, बताओ क्या कमी है? पता नहीं साहब, बाहर में तो कोई कमी नहीं दिखाई देती, फिर भी चैन नहीं, फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर भी सुखी नहीं। हम अपनी सोच से दुखी है, हम अपने भावों और अपने परिणामों से दुखी है। तो फिर क्या करें? जो व्यक्ति सोच से दुखी हो, जो व्यक्ति परिणामों से दुखी हो, उस व्यक्ति को दुख दूर करने के लिए संयोगों में फेरफार करनी पड़ेगी कि अपने परिणामों में बदलाव करना पड़ेगा? गलती जहां थी सुधार वहां करना पड़ेगा कि कहीं और करना पड़ेगा, बताओ? तकलीफ मेरे हुई है, तकलीफ बच्चे के हुई है,
क्या? तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है और डॉक्टर को जाकर के कहें डॉक्टर साहब बच्चा है, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, बहुत तकलीफ होगी, इसकी जगह मेरा कर दो ना। बोलो, हो सकता है? जहां तकलीफ होगी वहीं मिटेगी ना, तो तकलीफ कहाँ है? बोले यहां माइंड में। तकलीफ कौन सी जगह है? कर्म में नहीं है, उदय में नहीं है, संयोगों में नहीं है, परिस्थितियों में नहीं है। तकलीफ कहाँ है? यहां है तकलीफ। तो इलाज किसका करें? बोलो, तकलीफ यहां है। और ये जरा इसको हटा दो, ये मेरे सामने नहीं रहना चाहिए। क्या मैं इससे बहुत परेशान हूं? कि परेशान कौन है? कि मैं। तो इलाज किसका करें? कि इसका। परेशान कौन है? दुखी कौन है? ये दुखी तो मैं हूं। किससे दुखी हो? सास से दुखी हो, बहू से परेशान हो, मैं मेरी जेठानी से बहुत दुखी हूं। बोलो, किससे दुखी हो? नौकरों से दुखी है, इनको समझा लो, इनको 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 समझा लो कि दुखी कौन है, ये नक्की करो पहले कि दुखी तो मैं हूं ना, उनके कारण से दुखी हूं। तो इलाज किसका करें? अरे भाई साहब, जहां दुख है इलाज वहां होगा, जहां तकलीफ है वहां होगी। कितना प्रसिद्ध उदाहरण है अपने नियम साल की गाथा है क्या? डोरा सहित कोई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। सुई खो गई अम्मा की, बोलो क्या करे? नहीं नहीं, अंधेरे में बैठी थी, अंदर जहाँ गिरी थी वहां ढूंढ रही थी, सुई गिरी थी और ढूंढ रही थी, और लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तो ढूंढते ढूंढते कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि क्या कर रही हो? ये सुई गिर गई, उसे ढूंढ रही हूं। तो बोले ऐसे अंधेरे में? अंधेरे में थोड़ी नहीं मिलेगी, इतनी सी बारीक सी सुई और अंधेरे में ढूंढेगी? उजाले में ढूंढो, उजाला चाहिए। वो तो कहकर के चला गया, उजाला था बाहर, रोड लाइट जल रही थी, बाहर उजाले में जाके देखने लगी। क्यों सर? अब तो मिल जाएगी, उजाले में ढूंढ रही हूं, अब तो मिल जाएगी ना। बहुत देर तक परेशान होती रही, फिर कोई व्यक्ति उधर से उजड़ा, बोले क्या हुआ? कि सुई गिर गई, ढूंढ रही हूं, बहुत देर से मिल नहीं रही है। कि गिरी कहां थी? कि गिरी तो अंदर थी। तो मिलेगी कहां? अंदर गिरी है तो अंदर मिलेगी। तकलीफ जहां है वहां मिटाई जाएगी। चेहरे पर दाग लगाया है तो आईना साफ करने से साफ नहीं होगा, आईने पर तो दिख रहा है, वहां नहीं है दाग, तो यहां है, साफ तो यहां करना पड़ेगा। जहां गलती हो वहां मिटानी पड़ेगी। गलती यदि माइंड में है तो इलाज भी माइंड का होगा। और सबसे बड़ी विशेषता जैन दर्शन की यह है कि गलती चूंकि आपकी सोच और आपके दिमाग में है, गलती चूंकि आपके परिणामों और आपके अभिप्राय में है, इसलिए जैन दर्शन अभिप्राय बदलने का काम करता है, परिणाम बदलने का काम करता है। परिस्थितियां बदल नहीं सकती ये बताता है, परिस्थितियों में आप बदलाव कर नहीं सकते ये बतलाता है, आप किसी हाल में किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते ये बतलाता है। ये जैन दर्शन है, ये कह रहा है आप उसको नहीं बदल सकते, आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं बदल सकते, हर हाल में खुद को ही बदलना पड़ेगा। बोलो किसको बदले? बताओ, उसको बदल दो, इसको बदल दो, उसको सुधार दो। कुछ नहीं भैया, अपने आप को सुधारना है। और जिसने ये कला सीख ली कि अपने आप को सुधारना है, बात खत्म। बस मैं क्या सुधारूं? गलती तो ये कर रहे हैं, सुधार मैं क्या सुधारूं? बोलो, इनकी गलती है, इनकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। किसी की गलती की सजा किसी को नहीं मिलती, अपने अपने कर्मों का फल, कर्म का फल मिलता है भगवान है कर्म, कि कर्म भी भगवान नहीं है। कर्म से दृष्टि हटाओ और अपने स्वभाव को देखो। फिर आप कर्म से यदि दृष्टि हटाएंगे, पहले संयोग में करने के लिए मना कर दिया, अब कर्म में करने के लिए मना कर दिया, आप चाहते क्या और करें क्या? कुछ तो बताओ, हमारे करने लायक काम क्या है, कुछ तो बताओ आप। आपने कह दिया परधर्म में चलती नहीं है,
आपने कह दिया संयोगों में चलती नहीं है, आपने कहा घर गृहस्थी में तुम्हारी चलती नहीं है, आपने कहा शरीर में हमारे आपकी चलती नहीं है, आपने कहा बालों में चलेगी नहीं, आपकी दांतों में चलेगी नहीं, खाने के बाद में पेट में चलेगी नहीं, हाथ पांव में चलती नहीं है आपकी, एक तरफ ये कह दिया। फिर सोचा कर्म कर्म, अब कहा कर्म में तुम्हारी नहीं चलती है, अब करूं क्या ये बताओ। आत्मा दिखता नहीं है, जो दिखता है उसके बारे में कहते हो इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अब क्या करें। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। प्रश्न छोड़ दिया है वर्णी जी ने, वर्णी जी का कीर्तन है सहजानंद जी वर्णी का, मनोहर जी वर्णी सहजानंद जी वर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सहजानंद उनका उपनाम था। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बताओ क्या काम करते हैं जग का। अरे आप तो बस दूसरों ही दूसरों का काम करते हो, आपको तो बस दूसरों ही दूसरों की पड़ी रहती है, आपको तो घर से मतलब ही नहीं, दूसरों का ही समाज से ही मतलब है। बोलो कैसा लगता है आपको। दूसरों का करता हूं मैं, परिवार का कर रहा हूं, दूसरों का कर रहा हूं, तू करता नहीं है ये सिखाया है, तो कुछ तो बता दो जो करने लायक हो, कुछ तो बता दो जो करें हम। आप जो कहो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन बताओ तो सही करें क्या। सुनना है आपको, आप सुनना चाहते हैं, बस ऐसे कोई नहीं, कोई आवाज नहीं निकलती किसी की भी। ये 5 किलो का ये हिला देंगे हम सर, 50 ग्राम की जवान नहीं लेगी, 50 ग्राम की भी नहीं होगी। देखो यदि आप सुनना चाहते हैं तो अगले श्लोक में बताया। निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य, क्या करें क्या करें, ये प्रश्न खड़ा होता है उसका जवाब दिया है। क्या करूं था, आप बताओ क्या करो। ये स्वीकार कर कि मैं आत्मा हूं, ये स्वीकार कर मैं चेतन तत्व हूं, इस बात की श्रद्धा कर मैं गायब भगवान आत्मा हूं, इस बात को स्वीकार कर हूं परमात्मा छू, इस बात को स्वीकार कर। ये स्वीकृति है या नहीं तुझे। अपने आप को आत्मा नहीं मानता है इसलिए सारी तकलीफ खड़ी होती है। सारी तकलीफ क्यों खड़ी हुई है, आत्मा नहीं माना अपने आप को, अपने आप को सात्विक माना, अपने आप को संजीव माना, बोलो अपने आप को मास्टर साहब माना, क्या समझा बोलो अपने आप को, मैं हेड मास्टर कैलाशचंद जैन ऐसा समझ लिया। फिर क्या हुआ, तेरे को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है, ये गलत फहमी मां दुख का कारण है। तो क्या कह रहे हैं, निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। ओ कहाँ कहाँ हमें अपने कर्तव्य दिखाई देते हैं, देखो तो सही आप, आपका क्या कर्तव्य है। अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो हमारा ही कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण ये तो हमारा कर्तव्य है भाई, अपने परिवार की संभाल ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि इनके लिए रोटी बना करके डालना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों, घर की साफ सफाई तो हमारा ही कर्तव्य है, पैसे कमा करके लाना तो इनका कर्तव्य है। क्या कैसा लगता है हमारे को, कहाँ कहाँ हमारे कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है या हमारा कर्तव्य है, पैसे कमाना रोटी बनाना कर्तव्य है हमारा, ये काम रह गया है झाड़ू हाथ में लेकर के सफाई करना कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य माने करने योग्य, कहाँ कहाँ ये कहता है इसको इनका कर्तव्य याद दिलाओ। हर व्यक्ति समाज में, आप ऐसे बड़े बड़े सेमिनारों में जाएंगे ना तो जगत में लोग इस प्रकार का उपदेश देंगे, देखो भाई हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता, लेकिन सुनो अपना कर्तव्य और दूसरे के अधिकारों की बात याद रखने वाला व्यक्ति इस गृहस्थी में सफल होता है। ये जगत की बात बतला रहा हूं, जगत में क्या शिक्षाएं दी जाती है, आप अपने कर्तव्य याद करो और दूसरे के अधिकार याद करो,
सामने वाले के अधिकार और अपना कर्तव्य आपकी दृष्टि में यदि ये प्रमुख रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी होगी। अब होता क्या है, हम अपना तो अधिकार दिखाते हैं और सामने वाले को उसका कर्तव्य याद दिलाते क्या, अब समस्या खड़ी कैसे नहीं हुई, मतलब ये तो मेरा अधिकार है, ये अपने कर्तव्य को ध्यान रखो, आपको क्या करना है वो नक्की करो, आपका ये काम है, अभी दूसरे को कर्तव्य याद दिलाते। उल्टा करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हम अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से करें और सामने वाले के अधिकारों को ध्यान रखें, बस दो बात, ये बात कही लौकिक दृष्टि से। अब इसको यहाँ आध्यात्मिकरण कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तेरा कर्तव्य क्या है पहले वो नक्की कर, ये जगत में घर गृहस्थी के लिए मेरा कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति मेरा ये कर्तव्य है, पत्नी बच्चों के लिए मेरा ये कर्तव्य है, ये सुन, ये सारे कर्तव्य तो थे जो थे, तेरा अपने लिए भी कुछ कर्तव्य है क्या, दुनिया के लिए जो तुझे ये कर्तव्य दिखाई देते, ये तो मेरा कर्तव्य है साहब, हम जिन मंदिर में आए हैं तो अपनी टेबल साफ करके बैठना ये हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है हमारा, जिनवाणी को यथायोग्य व्यवस्थित स्थान पर रखना ये हमारा कर्तव्य है नहीं है, हमारे जिन मंदिर साफ सुथरे रहे ये किसका कर्तव्य बतलाओ, ये काम किसका है, हमारा कर्तव्य नहीं, भावना से होते हैं काम, दिल से होते हैं क्या, दिल से होते हैं काम, देखो आप अच्छा ये कैमरा लगाना ये किसका कर्तव्य बतलाओ, ये तो अरुण जी का कर्तव्य है, अच्छा ये इनका कर्तव्य है, ये रिकॉर्डिंग्स भेजना जगह जगह ये किसका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य तो पंडित जी प्रवचन करना है, आपका क्या है कि हमारा तो बैठ के चुपचाप सोना नींद लेना हमारा कर्तव्य है, प्रचला में सुनना क्यों साहब, बोलो ढुलिया जी आपका क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य याद दिला रहे हैं हमारे को, ये कर्तव्य इसलिए बतला रहे हैं कि हर व्यक्ति यदि अपना अपना कर्तव्य समझ लेवे तो सुनो, जिसने अपना कर्तव्य को समझा और अपने कर्तव्य को समझ करके अपना काम किया वो कृत कृत्य हो गया, वो परमात्मा बन गया, वो सिद्ध बन गया, वो कृत कृत्य हो गया, अपने काम को, काम क्या था तुम्हारा बोलो, क्या काम है बच्चों की पाठ मना से बताओ, कौन बताएगा, बोलो हाँ, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धातम है मेरा नाम, अरे काम बताओ, मात्र जानना मेरा काम, तो मात्र जानना है, अब तो मात्र जानना मेरा काम था, डोसे बनाने में लग गया, बताओ सब्जी बनाने में लग गया, रोटी बनाने में लग गया, साफ सफाई करने में लग गया, पैसा कमाने में लग गया, जो मेरा काम ही नहीं था, बहुमूल्य जीवन के ये दुर्लभ क्षण ये पैसा कमाने में बर्बाद कर रहा है, इसको लग रहा है मैं कुछ कमा लूं, मैं कुछ कमा लूं, अंदर से खुद को लगता है, दूसरे कहने वाले कि आप कोई काम नहीं करते, आप कोई काम नहीं करते, तो प्रवचन करता हूँ ये काम नहीं है क्या, ये काम नहीं है क्या, प्रवचन करता हूँ मैं, ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानता देखता हूं, ये काम नहीं है क्या, लेकिन क्या करें, अर्थशास्त्र का ये फॉर्मूला है कि उसमें काम कहते ही उसे हैं जिसके माध्यम से पैसा कमा सके, आप देख लो यहां से उतरते समय है, यदि आपसे अभी कोई पूछे बोलो मनोज जी क्या काम करते हो, तो आप क्या बताओ, रोटी खाता सोता हूं नहाता धोता हूं, क्या काम बताओ, वो काम बताओगे जिस काम से पैसा आता है, माने जिससे पैसा आता हो वही काम है और जिससे पैसा नहीं आता वो काम नहीं है, अरे पैसा कमाना मेरा काम नहीं है ये सिखा रहे हैं, मुझे उपदेश दे हुए कोई व्यक्ति की पैसा कमाओ तो हाथ जोड़ता हूं दूर से, मुझे नहीं कमाना पैसा, मेरा दिमाग को जो है ये पैसा कमाने की तरफ नहीं लग सकता, मेरा दिमाग इसमें लगेगा, मेरा काम ये है, दूसरा काम मेरा नहीं है, इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकते हम कुछ भी, पढ़ना पढ़ाना है हमारे को, तो ये काम है, अध्ययन करो, पढ़ो पढ़ाओ, अपने आप को समझो, ज्ञाता दृष्टा रहो,
ये नहीं नहीं साहब थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, कि किसके लिए करूं मैं थोड़ा बहुत ये बतला दो मेरे को, कल मर गया तो जिंदगी भर के लिए करता रहूं, किसके लिए करूं बताओ, बोलो कब मर रहे हैं, तो कौन कौन डेट लिख करके दे सकता है कब मर रहे हैं, मेरे पास शाम की रोटी की व्यवस्था है, शाम की क्या बात कर रहे हो, महीनों की सालों की रोटी की व्यवस्था है क्या, उसके बावजूद भी उसकी तरफ दौड़ते रहे, पागल हो गए हैं, यही समझ रहे हैं, यही समझा रहे हैं दुनिया को, और खुद फंसेंगे उस दलदल में, हम नहीं फंस सकते, अपना काम क्या है वो समझा रहे हैं यहाँ पर आचार्य जी, अपना काम समझा रहे हैं, दुकान चलाना मेरा काम नहीं है, बिजनेस करना मेरा काम नहीं है, पैसा कमाना मेरा काम नहीं है, रोटी बनाना आपका काम नहीं है, ये समझा रहे हैं आप, समझ आ रही है बात, ज्ञात दृष्टा रहना मेरा काम, ये कर्तव्य बता रहे, अपना कर्तव्य छोड़कर पर का काम करने में लगा है, ये अपराध है, ये सब छुड़वाओगे आप तो सारी देश की बिगड़वाओगे, अरे इससे बिगड़ती नहीं है, इससे व्यवस्थित होती है, सोच बदलनी पड़ेगी, किसके लिए ये नक्की करो पहले, किसके लिए और कब तक, नहीं है तुम्हारे पास में व्यवस्था, है ना आपके पास में व्यवस्था, बोलो अभी अभी घी में चूर करके रोटी खाओ तो है कि नहीं आपके पास में व्यवस्था, कल एक स्टोरी सुनाई पीयूष जी ने, बहुत पुरानी है, सुनी होगी, कल सुना था कल सेमिनार, कल का नहीं सुना, तो उस पर चल रहा था हमारे आरम्भ पाठ चल रहा था जो मैं पर उसका रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अच्छी थी चर्चा, वही प्रसिद्ध कथा में राजा जो था वो बहुत दुखी था, और या सेठ था वो बहुत दुखी था, धन के लिए वैभव के लिए कमाने के लिए नुकसान की वजह से बहुत परेशान था, और किसी से उपाय पूछा तो उन्होंने उपाय बतलाया कि इसका तो एक ही उपाय है कि आप वहाँ आपके नगर में वहाँ एक वो रहते हैं महात्मा जी, उनको जाकर के भोजन भेंट करके आओ, ये आपके सुखी होने का उपाय, इससे देखना आपका आपका ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आप सारी परिस्थितियां बदल जाएगी, बोले ठीक है, भोजन लेकर के भिजवाया मकरों के साथ में उसके यहाँ, साहब आपके लिए भोजन लेकर के आए हैं, कि मैंने तो भोजन कर लिया है, ये कर लिया है यदि आपने भोजन तो कोई बात नहीं, शाम के लिए रख लो, बोले शाम के भोजन की व्यवस्था हो गई है मेरे पास में तो कोई बात नहीं, जो लेकर के आए हैं इसीलिए कल के लिए रख लो, तो जवाब दिया कल किसने देखा, कल की कल देखेंगे, क्या क्या जवाब दिया, कल की कल देखेंगे, लेने से मना कर दिया, और नौकर वापस लौट करके आ गया, फिर जी को आकर के बात बतलाई, सब बात समझ में आ गई, कल किसने देखा, आज तो बिगाड़ रहे हो तुम कषायों में, आज तो बिगाड़ रहे हो तुम आकुलता में, और इसलिए कि कल अच्छा होगा, आज क्यों बिगाड़ रहे हो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कि आज इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि कल बिगड़ गया था, मूर्ख कल बिगड़ गया था, जो बिगड़ गया था तो आज क्यों बिगाड़ रहा है उसके चक्कर में सोच सोच करके, आज का समय क्यों बर्बाद कर रहा है, इसे पता नहीं है कि इसके दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षण कहाँ जा रहे हैं, आज मरे उनका तीसरा दिन है, रोज मरते हुए दिखाई देते हैं, रोज मरते हैं, रोज रोज घटनाएं घटती है इस तरह की, मतलब आंखों के सामने लोग मरते हुए दिखाई देते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देते हैं, इसके आंखों पर ऐसी पट्टी माया की पड़ी हुई है कि इसको दिखता ही नहीं है कि मुझे भी एक दिन मरना है, ना मालूम कितनों को शमशान पहुंचा करके आ गए, लेकिन हमें जाना है, हमें नहीं जाना है शमशान, दूसरों को ही पहुंचाएंगे, क्योंकि हम शमशान जाएंगे ही नहीं, बॉडी जाएगी, हम उसके पहले ही जा चुके होंगे, कर्तव्य याद दिला रहे हैं, देखो भैया अपना कर्तव्य पढ़ लें, थोड़ी सी चर्चा कर्तव्य की श्लोक तो पढ़ लें, स्वं सत्वेन ततः पश्यन् परत्वेन च तत्परम् परत्यागे मतिं कुर्या कार्येरन्यै किमस्थिरये, क्या कह रहे हैं, धन्य आप ततः माने इस
आत्मा को आत्मपने से और आत्मा से भिन्न शरीर को भिन्न पने से देखते हुए पर वस्तु के त्याग में बुद्धि को कर। क्या पर वस्तु का त्याग मत कर, क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द बहुत मार्मिक होता है आचार्यों का। पर वस्तु का त्याग नहीं, पर वस्तुओं में त्याग की बुद्धि को कर, वहां तेरी चलेगी। तेरा कर्तव्य पर का त्याग नहीं है, तेरा कर्तव्य अपनी बुद्धि में बदलाव है, अपने ज्ञान में, उस बुद्धि को कर। और दूसरे नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ, बाकी कार्यों से क्या लाभ, नष्ट होने वाले कार्यों से। इकट्ठा करता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है वो कोई लुटेरा लूट के ले जाता है। अब लो और क्या करो, इनके लिए कमाया था हमने, इनके लिए जोड़ा था हमने, वो लूट करके ले, किसी ने पैसे ले लिए अब वो लौटा नहीं रहे, घर में डाकू घुस गए वो ले गए, किसी कंपनी में लगाया तो कंपनी भाग गई, किसी को ब्याज पे दिए अब वो वहां से नहीं आ रहे, अब बोलो क्या करो। सोचो तो सही एक बार, कौन कौन कहां कहां ले जाएगा, तुम किसकी, तुम्हारे क्या काम आया ये नक्की करो, तुमने क्या किया उस पैसे का। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं स्टोक देश के माध्यम से हुई है, बहुत ही मार्मिक ग्रंथ था, मुझे तो इतने पसंद आए प्रवचन वहां ऑस्ट्रेलिया के, बहुत ही पसंद आए। दूसरों की पसंद की बात नहीं कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, जगजोर देने वाली चर्चाएं थी सारी की सारी। पूज्यपाद आचार्य के एक एक वचन बहुत गंभीर और मार्मिक है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कह क्या रहे हैं ये सोचना नहीं चाहता और दौड़े जा रहे। बहुत सुंदर श्लोक है, एक 12 नंबर का है, कौन से नंबर का श्लोक है, आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष, ऐसा एक बहुत सुंदर श्लोक है, अपने जीवन से ज्यादा बहुमूल्य धन को समझता है, जीवन से ज्यादा बहुमूल्य, एक तरफ लाइफ है एक तरफ धन है, और ये कहता है लाइफ बीते तो बीते धन मिलना चाहिए। कि किस कीमत पे तुझे धन चाहिए बता, जीवन के 5 घंटे लगाकर, महीना भर लगाकर, दिन रात 6-6 घंटा रोजाना 8-8 घंटा बिजनेस में लगाकर, इतना अपना जीवन बहुमूल्य उसमें खर्च करके, और तू चाहता है तुझे धन चाहिए। कह रहे हैं पर ऊपर जान, एक बार बुद्धि बदल देगी, बुद्धि बदल। मैं, मुझे मालूम है मेरे कहने से कोई छोड़ने वाला तो है नहीं, क्या हम छोड़ के बैठे ना, दिख तो रहे ना आपको सामने बैठे हुए, आप कौन सा क्या करते हो, आप जिस पंथ चले आप उसी पंथ चल रहे हैं हम, और क्या पिताजी के अनुसार बेटे नहीं चलेंगे तो और क्या होगा, हमारे तो ऐसा ही है, हम कुछ काम नहीं करते, क्या क्या करने योग्य काम करते हैं, क्या जो काम आप करते हो 8-8 घंटा स्वाध्याय करने का, वो काम मुझे करो, जो काम आप 10 घंटा दिन भर में बिताते हो स्वाध्याय में, चिंतन मनन में, सुनने में, पढ़ने में, मेरे को ये इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं, ये काम है। और साहब घर वाले घर से निकाल देंगे आप इस प्रकार की बातें करोगे तो, कर्तव्य बता रहे हैं ना, तो साहब वो सब नहीं करे, अरे वो सब तेरे करने से नहीं होता, वो होगा तो होगा, मैं ये भी नहीं कहता हूं, क्या पैसा आना होगा तो आएगा, बिजनेस चलना होगा तो चलेगा, दुकान चलनी होगी तो चलेगी, लेकिन मैं दुकान को चलाता नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं। भोजन बनना होगा तो बनेगा, तद्रूप परिणाम होने होंगे तो होंगे, तेरी क्रियाएं भी होगी, आटा लगाने की क्रिया भी होगी, भोजन बनाने की क्रिया भी होगी, पैसा कमाने की क्रिया भी होगी, इन्वेस्टमेंट का भी होगा, कमाने का भी होगा, वसूल करने का भी होगा, लगाने का भी होगा, जो होगा सो होगा, अभिप्राय बदलने की बात है, लेकिन मैं जब का करता क्या काम, ये बात कही जा रही है, मैं नहीं करता हूं, ये कर्तृत्व मेरा नहीं है, ये कर्तृत्व बुद्धि तोड़ाने के लिए कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं घर जाने के बाद में भूखे मार दो इन सबको, इधर वाले लोगों को क्या होगा, हम तो बनाते नहीं खाना, इधर वाले आधे लोग सब घर जाकर के बनाए नहीं खाने, हम तो बनाते नहीं, अभी क्या सुन करके आए हो आप, बोलो
भाई सुधार कहाँ करना है, ये कहाँ सुधार की बात कर रही चल रही है, तू कहाँ बदलाव की बात कर रहा है। नौकरी पे भी जाएगा, काम भी करेगा, होगा जो होगा ठीक है, लेकिन ये करने लायक है, करने लायक तो एक ही काम है, आदेदम कादवम, बस आदेदम कादवम, जय सक्करी परहेदम से कादवम, और आदेद परहेदा दो आदेदम सुट्टू कादवम, बहुत प्राचीन गाथा है। हो सकता है भगवान महावीर स्वामी की वाणी से संबंध जोड़ते हैं, पुराने पुराने ग्रंथों में बड़े बड़े आचार्यों ने इन इस गाथा को उद्धृत किया है, उक्तम च कहकर के ऐसा कहा गया है, और कहाँ है इसका मूल स्रोत आज तक मिला नहीं, मूल में ये गाथा कहाँ की है। खूब कोशिश कर ली 10-12 साल 15 साल पहले, खूब विद्वानों को पूछ पूछ करके देख करके पूछ करके कहीं नहीं मिली, और जहाँ मिली कहीं ना कहीं उद्धृत की हुई मिली, और गाथा में क्या लिखा है, आदेदम कादवम, अपना हित ही करने योग्य है, अपना करो पहले, और यदि सत्कदी परहितम, आत्महित कर लेने के बाद यदि होगा तो परहित होगा जो हो जाएगा, ये सब दो हो गए अब, आत्महित और परहित, फिर लास्ट लाइन क्या कही, आदहित परहिता दो, आत्महित और परहित में से आदहितम सुट्टू कादवम, आत्महित ही श्रेष्ठ कार्य है, ये अपना कर्तव्य यहाँ श्लोक के माध्यम से बतलाया है। कल इसे पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, अभी की चर्चा को तो इसी बात के आधार पर विराम दे रहे हैं कि अपना कर्तृत्व क्या है, इसे हम ध्यान रखें, यही गृहस्थ जीवन में भी सुखी होने का उपाय है, लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी अपना कर्तृत्व पहचानना यही सुखी होने का उपाय है, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन हमारे सुख शांति में बीते हैं, इसी भावना से बात को यहीं